उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा दलित गरीबों को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे निगम के अध्यक्ष ने कहा कि गरीब और दलितों का समग्र विकास योगी सरकार में हो रहा है। योगी सरकार ने गिरोहबद्ध अपराध को पूरी तरीके से प्रदेश से खत्म कर दिया है। हर तरीके से घपलेबाजी जो कि सरकारी नौकरियों और स्थानांतरण में होती थी वो सब अब बंद है। पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि मायावती ने अंबेडकर और कांसीराम के नाम को बेचा है। उनका लक्ष्य दलितों और गरीबों का विकास नहीं करना था, दौलत का पहाड़ खड़ा करना था। इसके लिए उन्हें टिकटों को बेचना शुरू किया। आज दलित उनसे अलग हो चुके हैं और यह जान चुके हैं कि उनका हित और विकास कौन कर सकता है, इसलिए आज वह योगी सरकार के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रम में 29 गरीब दलित लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा कि मायावती के और भीमराव अंबेडकर व कांसीराम के नाम का इस्तेमाल कर दौलत का पहाड़ खड़ा किया है। दलित आज इसलिए अलग हो गए हैं, मौका है निगम की योजना में गरीबों की सिलाई मशीन के वितरण का कार्यक्रम। इधर देखिए, इधर इधर देखिए, पकड़िए। मिर्जापुर आए हैं और क्या कार्यक्रम आपका है, क्या कार्यक्रम? हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों, वंचितों, दलितों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। अनुसूचित जातियों के प्रति, गरीबों के प्रति जो उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ सांघातिक तरीके से कार्रवाई हो रही है। हम अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमने 39 लोगों को सिलाई मशीन का वितरण किया है। हमारी सरकार एक युगांतरकारी परिवर्तन कर रही है। हमने माफिया मुक्त राज्य की उत्तर प्रदेश में स्थापना की है। जो सांगठनिक रूप से अपराध होता था उसको बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार था उस पर विराम लगा है। स्थानांतरण के भ्रष्टाचार पर विराम लगा है। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो है मायावती है, वो भी पिछड़ों की ही राजनीति करती थी, क्या उनके कहाँ की खुले जो आज ये इस तरह? देखिए, मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम का नाम लेकर के राजनीति में आई, किंतु वो न तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानती थी न कांशीराम को मानती थी। उनके जो मन में था, जो उनकी चाहत थी, जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत, वो दलितों का कल्याण नहीं था, दौलत का पहाड़ खड़ा करना था। उन्होंने टिकट बेचना शुरू किया, वसूली करनी शुरू की और दौलत का पहाड़ खड़ा कर लिया और धीरे 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 करके दलित उनकी इन कार्रवाइयों से सजग हो गया और साथ छोड़ता चला गया। और आज की स्थिति है कि सारा का सारा दलित मायावती से विमुख हो गया है, उनकी आलोचना कर रहा है और आने वाले दिनों में मायावती आपको राजनीति में शून्य पे दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि शिवपाल और आजम जी मुलाकात कर रहे हैं, शिवपाल बीजेपी के आने की बड़ी अटकलें हैं, क्या इसमें किसी वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश है? क्या नहीं, देखिए, क्या लग रहा है? आजम खां पहले से अखिलेश यादव जी के बारे में अच्छी तरह जानते थे और चूंकि वो मुलायम सिंह के बहुत नज़दीक थे इसलिए अखिलेश यादव उनको कभी पसंद करते ही नहीं थे। और इसीलिए जो शिवपाल जी का कहना था कि इन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो बिल्कुल सही बात है। और शिवपाल जी अब अखिलेश यादव को समझ चुके हैं, आजम खान भी समझ चुके हैं, अब ये लोग अपना रास्ता बना रहे हैं, कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने अन्याय कर रहे हैं आजम खान के साथ।